महिला जलालवाड़ी से मासूम बच्चे और हमारे साथ कई दिगर महिला के बुजुर्गान और नौजवान साथियों ने मिलकर एक 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर हमने मासूम बच्चों के दरमियान रह कर के एक रैली का आयोजन किया, रैली को मुनाकिद किया ताकि पूरे मुल्क में आज 75वीं जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाई जा रही है और बच्चों में भी ये जज्बा काफ़ी देखने में आ रहा है। क्यों ना हो, हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम जिस देश में रहते हैं हम उस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारा इस्लाम धर्म यही सिखाता है कि हुब्बुल वतनी, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हम सबको उसका दर्श दिया है, हम अपने देश के लिए जान देने के लिए मर मिटने के लिए हर वो चैलेंज को कबूल करने के लिए हम तैयार हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर मैं तमाम हमारे भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और जो जंग आज़ादी में जो ख़ासकर सभी धर्म के लोगों ने, सभी जात के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और ख़ासकर सबसे पहले मुसलमानों ने जंग आज़ादी का बिगल बजाया। सबसे पहले मुजाहिद आज़ादी अगर कोई थे तो वो पीर अली खां थे। पीर अली खां ने सबसे पहले एक अंग्रेज़ के अफसर का कत्ल किया और उसके आवाज़ में अंग्रेज़ों ने पीर अली खां और उसके साथ कई एक सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार कर सूरी पर चलाया। उसके बाद ही पूरे मुल्क में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और जंग आज़ादी की एक तहरीक निकल पड़ी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे हमारे कई एक भाइयों ने मिलकर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी जद्दोजहद की। ना सिर्फ 100 साल तक ये जंग आज़ादी की तहरीक चली और 1857 हो या 1947 हो या अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए 1600 ईस्वी में, तब से ही सब ने मिल कर के इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम चलाई है। तो लिहाजा ये 75 साल हो रहे हैं हमारा मुल्क आज़ाद होकर, बहुत ज़्यादा हमें जोश व खरोश नौजवानों में देखने में आ रहा है और ख़ासकर स्कूल के बच्चे, मदरसों के बच्चे आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और हम ये अहद करते हैं कि मुल्क में जब कभी भी जैसे भी हालात हों हम अपने मुल्क के साथ हैं। क्यों ना हो, यह मुल्क हमारा है, हम सब ने, सबसे ज़्यादा हम मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये सबसे पहला हक हमारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि पूरे जोश व खरोश के साथ 75वीं जश्न आज़ादी को हम बहुत ही धूमधाम से मनाएं और जितने भी मुजाहिद आज़ादी यहाँ पर कुर्बानियाँ दिए हैं मैं उन सबको खराज तहसीन अकीदत पेश करता हूँ कि उनको, उनकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी यहाँ पे नूरबाग से, जलालवाड़ी से मदरसे के और स्कूल के तलबा व तालिबात और महल्ले नूरबाग के पूरे नौजवान बुज़ुर्ग और साथ ही साथ ये जोश और जज्बे को लेकर जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब भी इस रियाली के तौर पर तिरंगे को लेकर हम यहाँ से पूरा दरगाह के जलालवाड़ी से हमने रैली निकाली है। इस वजह से कि आज 75 योम आज़ादी है, जश्न योम आज़ादी है, उस मौके पर जो हमारे तमाम मज़हब के लोग ने इसमें कुर्बानी दी है और ये आज़ादी के मौके पर हम सब मिलकर महल्ले के और तलबा व तालिबात ने आज यहाँ पे रैली निकाली है। बड़ी खुशी और मसर्रत के साथ हम यहाँ पे अपनी इस रैली को कामयाबी कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं तमाम जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 75 ईयर्स जश्न आज़ादी की खुशी के मौके पर बरादरी वतन को हम सब दिल की गहराइयों से आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। हर मज़हब के भाई ने कुर्बानी दी, देश को आज़ाद किया, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन, हिंदू सीता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं सखी ये गुल सीता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। तमाम भाई ने मिलकर रैली की शक्ल में जलालवाड़ी से लेकर दरगाह तक निकाली। तमाम भाई का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफजल चुलबुल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
मासूम बच्चे ने भी इस रैली में शिरकत की। मासूम बच्चे भी अपने जहां का सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा गुल गुले हैं इसकी, हम गुल सीता हमारा कहा जाए।